Let's start. Let's start. Fine. So guys, आज का session जो है, first of all, good morning all of you. आज का session जो है, it is once again based on the June month of financial awareness. लेकिन आज के session में तीन अलग अलग parts हम cover करने वाले हैं. हम June month का current affairs भी करेंगे, साथ ही साथ हम MCQs भी करने वाले हैं. और as I already told you yesterday, आज से हम स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट भी करने वाले हैं, राइट? कल का सेशन जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लीज कल का सेशन एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि ये 15 डेज का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे चलने वाला है, हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें आपको पीडीएफ में मिलने वाली है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर एज एन एजेंडा रोज के रोज हम कवर करने वाले हैं. यू मस्ट बी हैविंग अ फेयर आइडिया अबाउट इट, राइट? तो कल मैंने ऑलरेडी आपको ये सब बातें बता दी थी और कल हमने एक दो घंटे का सेशन ऑलरेडी लिया था. आज का सेशन थोड़ा सा फास्ट है. आज के सेशन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी बाउटफुल हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ी स्पीड शुरू से मेंटेन करनी पड़ेगी. दोज स्टूडेंट्स जो 8:45 को चले जाएंगे वो प्लीज प्लीज सेशन बाद में जो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको आप लोग जरूर देखिए, राइट? कल मैंने दीपक वाधवा सर को ऑलरेडी आपकी पीडीएफ भी दे दी थी, तो आई बिलीव कि आपको आपकी पीडीएफ मिल गई होगी. नहीं मिली है तो डोंट गेट पैनिक, आपको वो पीडीएफ फिर से दे दूंगा मैं, फिर से मिल जाएगी, राइट? हाँ, तो गाइस आज का सेशन शुरू करते समय एक चीज मैं क्लियरली बता देता हूं कि पिछले साल तक जितने आरआरबी एसओ के क्वेश्चन आए थे जस्ट उसका मैं आपके लिए ग्लांस लेकर आया हूं, बिकॉज यस्टरडे देयर वर सम डाउट्स कि सर आरआरबी से रिलेटेड चीजें सिलेबस में होंगी या नहीं होंगी और एग्रीकल्चर का पार्ट कहाँ है, ब्ला ब्ला आपके कुछ डाउट्स थे. सो टू जस्ट मेक दैट क्लियर, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं. आप दो मिनट के लिए उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो देख लीजिए और उससे जरा टैली करिए कि हमारा सिलेबस बराबर उस एजेंडा के हिसाब से चल रहा है या नहीं. सो हियर वी गो, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरआरबी एसओ. मैं कुछ क्वेश्चंस का आपको ग्लांस दिखा रहा हूं, जरा आप एक मिनट के लिए देखिए. ये आए थे पिछले साल के क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए थे. व्हाट इज द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक सेविंग बैंक बेसिक सेविंग बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट दैट इज BSBDA, राइट? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. MSME की कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया था. SBI की टैगलाइन पूछी गई थी. KVB सेंट्रम ये एक वैरायटी है बैंक की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. ANBC का फुल फॉर्म पूछा गया था जिसमें A का मतलब है एडजस्टेड. देन लीड डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड इन विच स्टेट ये पूछा गया था. उसके बाद लीड बैंक स्कीम कमेटी कौन सी थी, PNB के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. वहाली दिकरी योजना एंड देन सेबी के चेयरमैन पूछे गए थे. नाबार्ड की स्थापना कब हुई ये पूछा गया था, जो मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया भी. करंट रेपो रेट कितना चल रहा है पूछा गया था. मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आया था. देन डिनोमिनेशन मैक्सिमम इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, नोट और करेंसी का डिनोमिनेशन उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. पेमेंट बैंक्स, उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज, व्हाइट लेवल ATM, NFS, राइट? और सिमिलरली फिर कोटक महिंद्रा के ऊपर KPay वॉलेट किसने शुरू किया था, राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक. गो IBIBO ट्रेवल कार्ड स्टार्टेड बाय इन पार्टनरशिप विद ICICI और उसके बाद सम अदर क्वेश्चंस विद फुल फॉर्म एंड रिलेटेड टू सम ऑफ दी स्कीम्स. ये इस तरीके से आपके पूरे 40 क्वेश्चन, इनफैक्ट देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम भी पूछा गया है यहाँ पर, तो हिस्ट्री ऑफ बैंक भी यहाँ पर पूछा जाता है. To decide the primary lending rate, कौन सी बॉडी ये सब काम करती है, वो HDFC के ऊपर और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे. ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं. आज के PDF में मैं ये once again आपको दे दूंगा, तो आपके क्वेश्चंस की वैरायटी प्योर फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड ही है, ओके? और इस साल भी आपके क्वेश्चंस बराबर इसी ग्राउंड्स पे आएंगे. और फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया. जो बच्चे आज से जुड़े हैं, जो कल के सेशन में नहीं थे और उन्होंने रिकॉर्डेड सेशन भी नहीं देखा है, तो वो एक बात समझ ले, फाइनेंशियल अवेयरनेस में दो चीजें कवर होती है, बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस.
और इन दोनों के हिसाब से हम 15 डेज का पूरा ये पार्ट कर रहे हैं. ओके, तो आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर टू यू नाउ. और ये इतने सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे, ये सारे क्वेश्चंस का भी आप एक बार बढ़िया ग्लांस लीजिएगा, सो यू विल बी हैविंग अ परफेक्ट आइडिया अबाउट इट, राइट. अब हम डायरेक्टली शुरू करने जा रहे हैं जून मंथ का फाइनेंशियल अवेयरनेस. कल मैंने ऑलरेडी जून मंथ का काफी सारा पार्ट, नॉट काफी सारा बट एक यू नो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमने कवर किया, लेकिन जून मंथ के फाइनेंशियल अवेयरनेस के पूरे 3 दिन का पार्ट है. तो आज हमारा सेकेंड डे है, आज भी हम जून मंथ के कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट करेंगे, राइट. अब आज जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, प्लीज नोटबुक निकाल लीजिए और नोटबुक में हर चीज नोट करते चलिए. लाइव सेशन की बात ही अलग होती है, लाइव सेशन में चीजों को समझोगे, बिलीव मी आपको बाद में बिल्कुल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से सारी चीजें मेमोराइज कर सकते हो. और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि डायरेक्टली जब ये सारी चीजें आप एब्जॉर्ब करते हो तो प्रैक्टिस भी उसके साथ साथ होती चलती है. सो प्लीज इस बात का पूरा ध्यान रखिए. आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगा, तो उन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज ढंग से समझिएगा और अपने हैंडराइटिंग में, अपने नोट्स में हो सके तो उसके ऊपर एक रफ ड्राफ्ट तैयार करके रख लीजिए. ओके, आर वी क्लियर? आज का एजेंडा पूरा क्लियर है? सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है तो वो मैं देख लेता हूं, उसके बाद मैं पीरियोडिकली बस आपके कमेंट्स पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा डाउटफुल है, बहुत सारी चीजें इसमें कवर करानी है. तो एक बार मैं जस्ट स्कैन कर लेता हूं आपके कोई कमेंट होंगे तो. हाँ राइट, फाइन. तो एज सच कोई कमेंट नहीं है, थिंग्स आर प्रीटी ओके विद अस. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद जून मंथ ऑफ करंट अफेयर्स. और आज की सबसे पहली न्यूज है जून मंथ ऑफ करंट अफेयर्स में. चलिए जरा लिखना शुरू करिए, सेशन अब शुरू हो रहा है. नाबार्ड प्रोवाइड्स रुपीज 270 करोड़ टू AGVB बैंक. जून मंथ की बात है, नाबार्ड ने AGVB बैंक को 270 करोड़ रुपए का एक लोन प्रोवाइड किया था, राइट. AGVB का मतलब क्या है? आसाम ग्रामीण विकास बैंक. अब ये क्यों कवर करा रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और फाइनेंशियल अवेयरनेस के सैंपल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन है, इसीलिए आप ये याद रखना. नाबार्ड ने 270 करोड़ रुपए का अमाउंट किसको दिया है? AGVB को दिया है. आपको AGVB के बारे में पूछा जा सकता है या ये अमाउंट पूछा जा सकता है 270 करोड़ रुपए का. अब क्या हुआ, क्यों दिया, जरा एक बार समझ लेते हैं, राइट. नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज अलोकेटेड अ स्पेशल लिक्विडिटी फंड. आगे बताता हूं, ध्यान से सुनना. स्पेशल लिक्विडिटी फंड ऑफ रुपीज 270 करोड़ टू आसाम ग्रामीण विकास बैंक. आसाम की एक ग्रामीण विकास बैंक है जिसको हम RRB बोलेंगे, रीजनल रूरल बैंक है, राइट. जिसका स्पॉन्सर पंजाब नेशनल बैंक है. तो ये जो बैंक है इसको स्पेशल लिक्विडिटी फंड के तहत, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, अंडर विच प्रोविजन नाबार्ड हैज प्रोवाइडेड लोन टू AGVB, राइट. फिर से सुनो, अंडर विच प्रोविजन नाबार्ड हैज प्रोवाइडेड लोन टू AGVB. तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्पेशल लिक्विडिटी फंड. इसीलिए ये टर्म याद रखना है, 270 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है. किस लिए? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक COVID-19, ओके, टू सपोर्ट द फार्मर्स एंड कैरी आउट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, राइट. अब पूर्वोत्तर राज्यों में ये समस्या थोड़ी सी बढ़ती चली गई, क्योंकि वहां पर वैसे भी इकोनॉमी का खस्ता हाल रहा और मानसून के वजह से आसाम और बाकी के इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, ये आपको पता होना चाहिए. मानसून के वजह से आसाम और उसके आजू बाजू के राज्यों में जबरदस्त बाढ़ आती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर रहती है और उस वजह से इन लोगों को एनी हाउ नाबार्ड के तरफ से अक्सर मदद मिलती रहती है. इस बार COVID-19 का एक रीजन हो गया, दे हैव बीन गिवन दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 270 करोड़ रुपीज. समझ में आ गया आपको, राइट. अब जरा एक चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए कि स्पेशल लिक्विडिटी फंड यानी क्या होता है. ओके, कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, नोटबुक में लिख के रखना. हर एक बात के लिए PPT नहीं बनाई जा सकती, प्लीज कोऑपरेट करिए. स्पेशल लिक्विडिटी फंड जो होते हैं वो ऐसे इमरजेंसी फंड होते हैं,
जो 90 डेज के लिए दिए जाते हैं, 90 डेज के लिए, और इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फिलहाल कोविड 19 पीरियड के हिसाब से रेपो रेट वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अक्सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी इमरजेंसी फंड देती है तो इमरजेंसी फंड कभी सस्ता नहीं होता। अगर मान लो किसी बैंक को आरबीआई से कर्जा उठाना है और इमरजेंसी विंडो के अंदर उठाना है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई पे करना पड़ेगा। लेकिन कोविड 19 की महामारी चल रही है, रिजर्व बैंक ने यह तय किया है कि 90 दिन के विंडो के लिए आपको लोन दिया जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देश में इस वक्त रेपो रेट जितना चल रहा है उस रेट पे हम आपको दे देंगे। समझ में आया। तो कल को इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि स्पेशल लिक्विडिटी फंड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, तो जो देश का रेपो रेट है वो एग्जैक्टली उतना होगा। अब रेपो रेट कितना है ये मत पूछना, रेपो रेट कितना है ये आप आरबीआई के वेबसाइट में देखो, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपको, राइट। तो ये है, समझ में आ गया आपको। अब इसमें जो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है जो 1-1 मार्क का जीके क्वेश्चन बन सकती है वो ये है, AGVB का मतलब है आसाम ग्रामीण विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुवाहाटी। आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। दिसपुर इज वन ऑफ द आउटर एरिया और सब अर्बन एरिया इन गुवाहाटी, तो ये एक कैपिटल है। ये बैंक कैसी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि पूरी की पूरी सरकारी बैंक है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी शेयर होल्डर है, किसमें, AGVB में। और हर ग्रामीण बैंक के लिए एक स्पॉन्सर बैंक होता है, ये आपको पता ही है। तो AGVB का स्पॉन्सर कौन है, पंजाब नेशनल बैंक, राइट। कल को आपको 1 मार्क के लिए अगर पूछा गया तो बताइएगा पंजाब नेशनल बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ AGVB। समझ में आ गया आपको, यहां तक क्लियर है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए तुरंत चलते हैं दूसरी खबर पे। आपको ये इमेज कैसी लगी, कितनी सही है। देखो यहां पर लिखा हुआ इंडिया का एक फ्लैग दिया हुआ है और बाजू में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी लिखने का तरीका देखिए। इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। आपको याद होगा कल ही हमने इस तरह के पैरेलल लाइंस पे एक खबर और देखी थी जिसमें हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी 2020 में और 21 में कितनी श्रिंक होने वाली है। ये सवाल इकोनॉमिक अवेयरनेस के अंतर आता है और आपको ये पता होना चाहिए। अब ये दोबारा क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडिया की GDP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंडियन इकोनॉमी भी कह सकते हैं, दोनों में मैं फर्क समझा दूंगा, उसको अक्सर अलग अलग इंडिपेंडेंट एजेंसीज कैलकुलेट करती है, जैसे कि मूडी हो गई, जैसे कि S&P हो गई, जैसे कि फिंच हो गई। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट अलग देता है, IMF अपनी रिपोर्ट अलग देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी रिपोर्ट अलग देता है, और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये अपनी रिपोर्ट अलग देता है। और ये हर कोई भारत की GDP का आकलन पूरे साल भर के लिए करते हैं। इसीलिए अक्सर क्या होता है, बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन से, तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशंस सबके आंकड़े अलग अलग है। अब ये जो 3.2 का आंकड़ा जो निकाला गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना, यानी भारत की GDP 3.2% से सिकुड़ने वाली है, ऐसा कहना है WB का यानी वर्ल्ड बैंक का। तो ये रिपोर्ट किसकी आई है, वर्ल्ड बैंक के हवाले से आई है। तो क्या कहती है वर्ल्ड बैंक, जरा देखते हैं, राइट। वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की उनकी एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें वो भारत ही नहीं पूरे दुनिया की GDP वगैरह कैलकुलेट करते हैं। फॉर द मंथ्स ऑफ जून 2020 और उसके आसपास के महीनों का एक क्यूमुलेटिव फिगर उन्होंने निकाला है। तो उसमें ये थर्ड पॉइंट देखिए, अब सीधा उसमें उनका कहना है कि 3.2% से भारत की GDP ग्रोथ या भारत की ग्रोथ 2020-2021 के वित्तीय वर्ष में कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। अब कल का टाइम याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था,
1% से जीडीपी जब खत्म होती है तो तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का बेरोजगार या फिर उतना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जीडीपी कितनी गिरी है? 3% से भी ज्यादा, तो तकरीबन तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बेरोजगार भारत में आ चुका है। आपको पता है इस वक्त कोरोना काल में लगभग लगभग 30 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो 30 मिलियन के आसपास लोग ऑलरेडी बेघर हो चुके हैं। आई मीन नॉट बेघर, थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया, ये बेघर का मतलब नौकरी चली गई है, माफ करना, नॉट बेघर, बट इनकी नौकरी चली गई है इस तरीके से, ये एक सिचुएशन है। अब यहां पर जो आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक फॉर्मूला समझना है वो जरा ध्यान रखिए, और प्लीज इसको प्लीज 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 बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपको इंटरव्यू में पूरा माइलेज दिला देंगे। आप बैंकिंग सेक्टर में आरआरबी एसओ क्या कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, आई प्रॉमिस यू आपको कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो एक मिनट के लिए समझिए, देखिए हमारे देश में नौकरी देने के लिए, ध्यान से समझना बाद में डाउट पूछ लेना सारे, हमारे देश में नौकरी देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, राइट? और हमारे देश में नहीं, दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की ही जरूरत पड़ती है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के दुनिया में जॉब जनरेट नहीं होते। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में हम अधोसंरचना कह सकते हैं, ओके, अधोसंरचना। तो जिसको अगर हिंदी में पेपर देना है वो ये वर्ड जरूर याद रखना, अधोसंरचना, ओके। अब अगर मान लीजिए हमारे देश में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 10 करोड़ लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार देना है। आप लोगों की बेरोजगारी दूर करनी है तो बैंक खोलनी पड़ेगी, अगर किसी युवा व्यक्ति की बेरोजगारी दूर करनी है तो पुलिस में भर्तियां निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए पुलिस स्टेशन बनाने पड़ेंगे। अगर देश की न्याय व्यवस्था ठीक करनी है तो जजेस की भर्ती करनी पड़ेगी, वकील की भर्ती करनी पड़ेगी, जिसके लिए कोर्ट कचहरी और न्यायालय बनाने पड़ेंगे। टीचर्स की भर्ती करनी है तो स्कूल खोलने पड़ेंगे, कॉलेज खोलने पड़ेंगे। तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, ये जितनी चीजें होती हैं ये सब क्या कहलाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमेशा किसी भी देश में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती जबरदस्त होती है उस देश का जीडीपी ग्रोथ बहुत 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 सॉलिड होता है। एग्जाम्पल के लिए जापान, जापान में इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, बुलेट ट्रेन भी दौड़ती है और कई सालों से दौड़ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जापान इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से जीडीपी के मामले में भी बहुत अच्छा देश है। ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई। तो युवाओं को अगर रोजगार देना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये याद रखना। अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा बेसिक फंडामेंटल है ये, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, ध्यान से सुनना। सरकार ने एक नेशनल हाईवे बना दिया, तो जैसे ही नेशनल हाईवे बनाया, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ की जमीन जो है वो अचानक से महंगी हो गई, जमीन को दाम मिलने लग गया, बहुत ऑब्वियस है। जैसे ही जमीन को दाम मिलने लग गया, यहां पर किसी ने हॉस्पिटल खोला, यहाँ किसी ने स्कूलें खोली, यहाँ किसी ने फैक्ट्री खोली, यहाँ किसी ने ढाबे खोल लिए, यहाँ किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, और देखते देखते इस सड़क के चारों तरफ हजारों 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 लोगों को स्वरोजगार मिल गया। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट में करने का, राइट? अब आ जाते हैं आखिरी पार्ट में। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ध्यान से समझना, देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो जॉब अच्छे हैं, अगर जॉब अच्छे हैं तो लोगों की इनकम अच्छी है, अगर इनकम अच्छी है तो लोग टैक्स भरने की परिस्थिति में आ जाएंगे, अगर टैक्स अच्छा भर रहे हैं तो सरकार के पास यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टैक्स का कलेक्शन बहुत बढ़िया आने लगेगा। टैक्स का कलेक्शन अगर अच्छा आने लगेगा
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। स्पेंडिंग का मतलब होता है सरकारी निवेश, सरकारी खर्च बहुत बढ़ जाएगा। सरकारी खर्च अगर बढ़ जाता है तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा होने लगेगा, जैसे कि नए स्कूल बनेंगे, नए अस्पताल बनेंगे और सरकार खुद बहुत सारी चीजें करने लगेंगी। अगर ये चीज होने लग गई तो देश अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर देश अट्रैक्टिव हो गया तो देश में फॉरेन डॉलर इजीली आने लगेगा, क्योंकि जितने भी विदेश के इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे देश में अब भरोसा होने लगेगा। ये मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर देश में डॉलर आना शुरू हो गया तो आरबीआई के पास अचानक से खूब सारा डॉलर हो जाएगा, और आरबीआई के पास अगर खूब डॉलर हो गया तो फोरेक्स रिजर्व काफी बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा। अगर ये बढ़ गई तो 1 डॉलर और रुपए के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो डॉलर की कीमत जाएगी नीचे, रुपए की कीमत जाएगी ऊपर, तो हमारा जो इंडियन रुपए है वो मजबूत होने लगेगा। अगर इंडियन रुपए मजबूत होता चला गया, ध्यान से सुनना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारा सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर जाएगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। और अगर ऐसा होता चला गया तो जीडीपी दोबारा से ऊपर की तरफ भागेगी, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के कंप्लीट पहिए में। समझ में आया या नहीं आया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं? ये बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर एक बेसिक फंडा है जो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार इन चीजों पे बात करेंगे, वंस एंड फॉर ऑल आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। इज इट ओके फॉर यू? क्लियर है ये यहां तक? ओके हाँ, तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूं। शिवाजी का कहना है, कोई बोलता है 1.5% कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई बोलता है -4%, कोई बोलता है -23.9%। शिवाजी मैं केवल आपका क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी के सारे क्वेश्चन सिंपल ही रहे हैं। शिवाजी आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना, आपका कंफ्यूजन सिर्फ इतना है कि आप जीडीपी का क्वार्टरली फिगर, जीडीपी का क्वार्टरली फिगर -23.9 वाला, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, उसके बाद इंडिया की डोमेस्टिक रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट, सबकी खिचड़ी बना रहे हो, इसलिए आपको अलग अलग आंकड़े समझ में आ रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे देश में जीडीपी की रेटिंग अलग अलग एजेंसीज निकालती है, इसीलिए सबके रेटिंग के फिगर्स अलग अलग होते हैं, और इसीलिए ये कोई बोलता है वाला कंफ्यूजन आपके दिमाग में, जो कि बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उसके पीछे का सच आप समझ लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? चलिए, बाकी सारे लोगों को क्लियर है। अब जरा दो तीन खबरें हैं दोस्तों, दो तीन न्यूज ऐसी हैं जो कि एकदम वन वन मार्क की और बहुत छोटी छोटी न्यूज है, तो मैं जस्ट एक स्लाइड में दो तीन न्यूज को एक साथ कवर कर रहा हूं, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट नोटबुक में लिखते चलिए। जाने से पहले ये वाला, ये बॉक्स में कवर कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपने बनाया ये नहीं डायग्राम, भैया ये बना लेना, 7 दिन का मेरा पूरा वर्कशॉप रहता है, एक 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 पार्ट में दो दो घंटे का लेक्चर होता है। कल को कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आपको किसी ने पूछा, बस आप ये इतना बना देना, आई प्रॉमिस यू आपको इस बेसिस पे ही जॉब लग जाएगा, क्योंकि कंसेप्चुअली यू आर वेरी क्लियर विद दिस। इज इट ओके? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल गेट्स 1950 करोड़ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, 1 मार्क का जीके क्वेश्चन है, याद रखना। वर्ल्ड बैंक ने किसको लोन दिया है? वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया है। कल ही हमने देखा था कि नाबार्ड ने भी वर्ल्ड वेस्ट बंगाल को लोन दिया था, कल की खबर याद है ना? तो नाबार्ड ने वेस्ट बंगाल को किस लिए लोन दिया था? कोरोना के वजह से लोन दिया था, और दूसरा अम्फान नाम का जो तूफान आया था ना जून में, उसके वजह से खेती किसानी पूरी बर्बाद हो गई, तो उसके वजह से लोन दिया था, राइट? अब वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड दो बातें याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालपास, सबको मालूम है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, विच इज इन यूएसए।
डीसी का मतलब क्या होता है बाय द वे? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, आपको एक सिंपल राजनीति की बात बता देता हूं। जैसे हमारे देश में 550 सांसद होते हैं ना, प्लस दो दो जो होते हैं वो अलग से प्रेसिडेंट साहब लेकर आ सकते हैं, ठीक वैसे ही वॉशिंगटन डीसी से ऐसे चार सांसद वहां का प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में लाके बिठा सकता है। ये उसका बेसिक मतलब है, और इसीलिए वॉशिंगटन डीसी पोस्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हुआ आपको? एक बात और याद रखना, वर्ल्ड बैंक से दो तरह के लोग लोन ले सकते हैं, केंद्र सरकार लोन ले सकती है और दूसरा राज्य सरकार भी लोन ले सकती है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, राइट? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा कर्जा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर वर्ल्ड बैंक का बहुत कर्जा है। इन लोगों की बैलेंस शीट खोल के देखोगे, सब डेफिसिट में चल रही है पूरी की पूरी, गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं एक एक। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई रेस्ट्रिक्ट पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक टू ग्रांट फ्रेश लोन्स। एक कानपुर की बैंक है जिसका नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। एक एक शब्द ढंग से सुनना, कानपुर की एक बैंक है जिसका नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। बैंक में वित्तीय चीजों को लेकर यानी फाइनेंशियल चीजों को लेकर जबरदस्त गड़बड़ी पाई गई थी, और इसीलिए आरबीआई की एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी जून महीने में कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को फ्रेश लोन देने से साफ साफ रोक दिया गया है। तो आपको वन मार्क का जीके क्वेश्चन आ सकता है कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कौन सी सिटी की है? इट इज कानपुर बेस्ड बैंक, राइट? क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है? क्योंकि वहां पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल मिस्टेक्स पाए गए थे, उन्होंने अपने फाइनेंस ठीक से मैनेज नहीं किए। आपने अक्सर देखा होगा, चाहे पीएमसी बैंक हो, चाहे यस बैंक हो, चाहे कोई और पंजाब नेशनल बैंक हो, या कोई भी बैंक हो, आरबीआई अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम सामने लाता है और बैंकों का आगे का ऑपरेशन बंद कर देता है। बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद आपने बार बार ये बातें सुनी होंगी। यू नो बेसिकली आरबीआई इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है इस मामले में, प्लीज एक बात समझो। एक जमाना था कि आरबीआई अपने अंडर आने वाले तमाम बैंकों के घोटाले होते भी थे तो या तो उसको नजरअंदाज कर देता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर, या तो उनको फिर से रीफाइनेंस देके पटरी पे लाने की कोशिश करता था। लेकिन आजकल साफ है बिल्कुल, आरबीआई अपने हाथ साफ कर लेता है। आरबीआई सीधा बोलता है, आपने अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं की है तो आपका गोबर हम अपने सर पे उठाते नहीं बैठेंगे। इसीलिए भारत में बहुत सारे बैंकों के साथ आरबीआई की पॉलिसी आजकल बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। एक चीज और याद रखना, आरबीआई हर एक बैंक को इन्वेस्ट करने के लिए एक लिस्ट देता है कि आपको अगर अतिरिक्त पैसे कमाने हैं तो आप इन इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आरबीआई को बिना बताए किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया और वहां से चार पैसे कमाने की कोशिश की, और बाद में अगर आरबीआई को पता चला, आरबीआई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और आपका आने वाले कुछ समय के लिए ट्रांजैक्शन या फिर आपकी बैंकिंग प्रणाली को रोका जा सकता है। ये आरबीआई के सिंपल नियम है, राइट? यहां पर एक इकोनॉमिक का वर्ड आपको बताना बहुत जरूरी है और वो है मोराटोरियम। प्लीज अपने अपने नोटबुक में लिख के रखिए, मोराटोरियम। मोराटोरियम, व्हाट यू मीन बाय मोराटोरियम? मोराटोरियम का मतलब होता है जब टेम्पररी ऑपरेशंस को बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, राइट? ये याद रखना। सपोज अगर किसी बैंक में घोटाले पाए गए हैं तो उस बैंक के ऊपर आरबीआई क्या लगा देगा? मोराटोरियम लगा देगा। और मोराटोरियम लग जाने के बाद क्या होगा? वो बैंक लेन देन की प्रक्रिया नहीं कर सकती। कल को वन मार्क में अगर स्टैटिक बैंक में ये क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक बैंकिंग वाले पार्ट में, कि व्हाट डू यू मीन बाय मोराटोरियम या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ मोराटोरियम, और नीचे पांच ऑप्शन, तो आपको सही जवाब पता होना चाहिए। समझ में आया? यस बैंक का जो घोटाला हुआ था ना इस साल होली के पहले पहले फरवरी मार्च के समय, उस समय यस बैंक के ऊपर क्या लगाया गया था? मोराटोरियम। ये क्लियर है, राइट? हाँ।
रेस्ट्रिक्शंस कितने समय के लिए लगाया गया है? 6 महीने के लिए लगाया गया है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब अगली न्यूज पे आते हैं। आई होप आपने सारी चीजें लिख ली है। ये वाली न्यूज देख लीजिए, RBI सेट अप पैनल टू रिव्यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, लेकिन 1 मार्क की ही है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, राइट? हाँ, ध्यान से सुनना इसको। भारत में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि ICICI, जैसे कि HDFC, जैसे कि ये येस बैंक, राइट, ये जितनी भी बैंक है, एक्सिस बैंक वगैरह, ये सारे बैंकों का अपना एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर? ध्यान से सुनना, ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉइज, उसके ऊपर फिर रीजनल मैनेजर, फिर उसके ऊपर फिर डेप्यूटी रीजनल मैनेजर, डायरेक्ट रीजनल मैनेजर, व्हाटएवर, फिर उसके बाद इनके स्ट्रेटजी ऑफिसर होंगे, फिर उसके बाद इनका CEO होगा, राइट? फिर CEO के अलावा इनका एक चेयरमैन अलग से होता है, फिर कभी कभी इनका मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक अलग से होता है। SBI में ऐसा नहीं है, SBI का कोई CEO नहीं है, SBI में केवल मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर उसके ऊपर इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर भी होता है। अब ये अलग 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 जो स्ट्रक्चर बना के रख लिए हैं, ये सारे ही स्ट्रक्चर्स में निगरानी रखना बहुत जरूरी है आने वाले समय में किसी भी प्रकार के घोटाले को रोकने के लिए, नहीं तो इस स्ट्रक्चर का पूरा गलत फायदा उठा के अक्सर प्राइवेट बैंक वाले RBI की नाक के नीचे से बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे देते हैं। यस बैंक का उदाहरण एक सटीक उदाहरण है, ऐसा होता है, और इसीलिए RBI ने यस बैंक के घोटाले के बाद जरा कान पकड़ लिए, और वैसे ही कोरोना काल चल रहा है तो RBI को कहीं ना कहीं ये स्मेल आने लगी थी कि आने वाले दिन में ऐसे बैंक्स कर सकते हैं, तो RBI ने डायरेक्टली क्या किया, 5 लोगों की एक कमेटी बिठाई। उन 5 लोगों की कमेटी में डॉक्टर प्रसन्ना कुमार महंती, ये नाम बिल्कुल याद रखना, 1 मार्क का GK क्वेश्चन है। 5 लोगों की एक कमेटी बनाई, उसके चेयरमैन बना दिए गए डॉक्टर प्रसन्ना कुमार महंती, इनको एक अच्छा खासा तजुर्बा है RBI में, और इनको बोला गया कि भारत के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनका जरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उसकी पढ़ाई कर लो, उसका रिव्यू कर लो, और अपनी रिपोर्ट आप RBI को 30 दिसंबर 2020 के पहले सौंपो, ताकि हमको पता चले कि कौन कौन प्राइवेट सेक्टर में आने वाले दिन में गड़बड़ी कर सकता है, ताकि समय रहते हम चीजों को सुधार सके। अदरवाइज बैंक डूबेगी, बदनामी होगी सरकार की, बदनामी होगी बैंक की, बदनामी होगी RBI की। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए RBI ने एक पैनल बनाया है। ट्रस्ट मी, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन अलग अलग जगह पर अभी तक सैंपल पेपर में मैंने इजिली देखे हैं, राइट? अब कमिटी ने जो कमिटी जो बनाई गई है, उस कमिटी को एक नाम दिया गया है IWG, तो आपको ये नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये नाम भी आप याद रखना, इंटरनल वर्किंग ग्रुप। क्या नाम है? इंटरनल वर्किंग ग्रुप, IWG, राइट? हाँ, और इनका काम क्या होगा, ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में पूरी पढ़ाई करना, राइट? अब आप बोलेंगे ओनरशिप क्यों? अरे क्योंकि यस बैंक में तो उनके ओनर ने ही घोटाला कर दिया था ना, राणा कपूर साहब ने, तो इसीलिए इन सब चीजों को समझने के लिए ओनर का भी दायरा समझना जरूरी है। आई होप आपको ये वाली स्लाइड पूरी की पूरी समझ में आई। अब आपके कोई डाउट है तो मैं एक बार देख लेता हूं। यस, ऑलराइट, किसी के कोई डाउट नहीं है फिलहाल, तो किसी के कोई डाउट नहीं है तो इसके 2 ही मतलब है, या तो सब कुछ सर के ऊपर से चला गया है, या तो सब कुछ समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं कि पहला वाला हो गया होगा।